हेलो दोस्तों, मैं अमनदीप सिंह स्वागत करदा ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬੇਸਿਕ ਡੋਟ ਨੈਟ ਪਾਰਟ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਡੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀ ਡੋਟ ਕਲੋਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੋਰਮ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ, ਫਿਰ ਮੋਡੀਫਾਈ, ਉਹ ਸੋਰੀ ਚੇਂਜ ਪਾਸਵਰਡ, ਫਿਰ ਲਿਸਟ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਸੈਟ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਪੀ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੇਸਟ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਂਜ ਪਾਸਵਰਡ 'ਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਪੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ। ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਰ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀ ਡੋਟ ਕਲੋਜ਼, ਇੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੀ ਡੋਟ ਕਲੋਜ਼। ਰਿਟਰਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਫੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰ 'ਚ, ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਲਿਓ।
कमेंट बॉक्स में किसी ने किया था मैसेज कि आप पब्लिक क्यों कर रहे हो, तो ध्यान से देख लें कि क्यों किया था। इतने आ गया, इफ टेक्स्ट पासवर्ड इक्वल टू होगा पासवर्ड 1 के बराबर, एल्स मैसेज बॉक्स, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, नहीं तो ये मैसेज बॉक्स शो करेगा। यहाँ पे जो भी पिक्चर चेंज करनी है आप कर सकते हैं, फॉर्म वही रहेगा, पिक्चर चेंज हो जाएगी। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मिसमैच, प्लीज ट्राई अगेन। इतने आ जाएगी चेक क्वेरी, यहाँ पे आ जाएगी चेक क्वेरी या चेक यूज़र डिटेल। अगर यूज़र डिटेल विच होएगी या इसमें होगी तो ये मैसेज शो कर देगा, इसमें ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ये जो ऊपर जो जड़ा ऊपर लिखा है रिटर्न, एदा ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि नीचे की कोडिंग को फॉलो नहीं करेगा, वहाँ से रिटर्न ले लेगा। तो ये जो नॉट इज़ इक्वल टू का यहाँ पे साइन है यूज़र आईडी के आगे, वेयर यूज़र आईडी, ये साइन आता है एक्सेस डेटाबेस में, ये साइन एक्सेस डेटाबेस वास्ते है, एसक्यूएल सर्वर वास्ते नहीं। एसक्यूएल सर्वर वास्ते मैं तुम दसदा, एसक्यूएल सर्वर के बारे में आपको बताता हूँ कि नॉट इज़ इक्वल टू कैसे आएगा। अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू लिखोगे तो ये बार बार मैसेज करेगा कि ये आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इन्हों कॉपी किया, यूजर डिटेल्स इतने पेस्ट कर देंगे।
सॉरी डॉट काउंट ग्रेटर देन नथिंग। सिलेक्ट किया इतने पेस्ट करेंगे, तो आएगा यूजर डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इनवैलिड डेटा। ये मैं फिर कह रहा हूँ, रिटर्न हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं, क्यों लिख दें सी, अगर ये यूज़र डिटेल होगी तो ये सीधा रिटर्न चल जाएगा, इसके आगे वाली कोडिंग को फॉलो नहीं करेगा। चेक यूज़र नेम, इज इक्वल टू हम तुम दस लगा, आपको बताने लगा हूँ, दिस साइन नॉट इज इक्वल टू, इन एक्सेस डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस साइन सॉरी नॉट इज इक्वल टू साइन इज दिस, ये साइन है, ए साइन है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस का, सॉरी इंट लिखेगा इन एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस नॉट इज इक्वल टू साइन इज दिस, ए वाला ये वाला एक्सेस डेटाबेस में चलता है, अगर वो डालोगे तो नहीं पकड़ेगा।
इत्थे आएगा यूज़र नेम द टेक्स्ट, दिस यूज़र नेम बता देगा उसमें इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। हुण आ जाएगा पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड चेक। चेक पासवर्ड, अगर ओल्ड पासवर्ड पावांगे, अगर ओल्ड पासवर्ड डालेंगे तो ही ये चेंज कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो पासवर्ड वही चेंज करांगे जिहड़ा खोलिया होएगा, पासवर्ड वही चेंज होगा जो खोला होएगा, किसी और का पासवर्ड कोई चेंज नहीं कर सकेगा। तो जो वेयर है, वेयर यूज़र आईडी, ये वेयर पहले डलेगा, ये मैं बाद में क्यों डाल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन वो क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो वेयर यूज़र आईडी नोट इज़ इक्वल टू है, यहाँ पे नहीं आएगा, वेयर वेयर टेबल नेम के बाद आएगा, तो वो बाद में पूछते हैं कि ये हमारा फॉर्म क्लोज हो जाता है। ओल्ड पासवर्ड वेयर यूज़र आई डी, तो इत्थे यहाँ पे वेयर आएगा पहले यूज़र आई डी के अपडेट में। कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये आगे रीनेम यूज़र का, रीनेम यूज़र था।
इनू आप कॉपी करांगे, इत्थे कर देंगे पेस्ट अपडेट वाली जगह से बटन एग्जिट तो बाद। इफ टेक्स्ट कन्फर्म पास वन इज इक्वल टू टेक्स्ट पासवर्ड देन एल्स, जे बराबर होएगा ठीक है, नहीं तो मैसेज शो करेगा। पिक्चर चेंज इनवैलिड डेटा पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड मिसमैच। प्लीज ट्राई अगेन। टेक्स्ट कन्फर्म पास फोकस रिटर्न सेव कोडिंग अपडेट कोडिंग मेन फॉर्म एंटर लेबल क्रिएट यूजर इज इक्वल टू मॉडिफाई यूजर्स, तो उसका नेम चेंज हो जाएगा मॉडिफाई यूजर जब फॉर्म खुलेगा। यूटी डॉट ओल्ड यूजर नेम विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, जेडे असी विजिबल फॉल्स किए हुए हैं उसनों असी ट्रू करांगे। लेबल पासवर्ड डॉट टेक्स्ट ओल्ड पासवर्ड यूटी डॉट लेबल कन्फर्म पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू यूटी डॉट टेक्स्ट कन्फर्म पासवर्ड डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू यूटी डॉट यूजर टाइप मोडिफायर लेबल चेंज करांगे पहला
लेबल यूजर टाइप मोडिफायर पब्लिक enabled is equal to true. ut dot text user types dot enabled is equal to false. तो पहला भी false आएगा. back color is equal to color यूजर फॉर्म पे कॉपी पेस्ट टेक्स्ट यूजर टाइप डॉट फॉर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ब्लैक. पहले बटन एग्जिट प्रॉपर्टी मॉडिफायर पब्लिक इहदा कलर हुण ब्लैक ही आएगा क्योंकि असी फोर कलर लिखिया नहीं है. ये तुहानू दस दिए एक्सेस डेटाबेस से चलते हैं. ये बाद च लिखा जी इनू कर देने कमेंट मार्क या कट. इसनू करांगे कॉपी कमेंट मार्क पेस्ट my dot setting text directory dot to string ते साड़ी होगी कनेक्शन स्ट्रिंग. ये हमारी होगी कनेक्शन स्ट्रिंग. सेट डायरेक्टरी वहाँ पे करेगा और टेक्स्ट डायरेक्टरी पे कर देगा सेव. तो यहाँ पे ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग हो जाएगी. इस तरह डायरेक्टरी सेट करेंगे हम. इस तरह ही डायरेक्टरी सेट करेंगे. होने कहेगा इत्थे डिजेबल है तो विजिबल फॉल्स है. इत्थे इहदे कलर नहीं ना चेंज किए फोर कलर तो ये शो हो गए ओल्ड यूजर नेम.
अभी डायरेक्टरी को पूरी तरह सेट करना है जब हम ओपन कंपनी करेंगे, ओपन कंपनी के साथ करेंगे। वो जब टेबल कंप्लीट हो जाएंगे फिर ही करने का फ़ायदा है, इस तरह आपको पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने इतने अभी व्यू किया, व्यू किया डायरेक्टरी पाथ का। अगर यूज़र आईडी ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे सेलेक्ट कोडिंग करेंगे। टेक्स्ट ओल्ड यूजर नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू करंट यूज़र डायरेक्टरी पाथ डॉट यूज़र नेम। तो इसको हम डिलीट कर देंगे, वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू। डिलीट कर देंगे। इसमें भी कर देंगे डिलीट। फुल नेम इज इक्वल टू बमरा डॉट टेबल 0 डॉट रॉ 0 ब्रैकेट विच कॉलम नेम टेबल कॉलम नेम फुल नेम डॉट टू स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल कॉपी पेस्ट। यह सेटअप फोल्डर डेटाबेस ईमेल आईडी कॉपी किया से पेस्ट ही है। टेक्स्ट यूजर नेम यूजर नेम बटन एंड एग्जिट। अगर एंड एग्जिट होएगा तो व्यू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फॉर्म दे लोड इवेंट से पेस्ट कर देंगे।
जाएगी व्यू सर्च यूजर टाइप इफ बटन एंड एग्जिट। देन एंटर एंड इफ इतने पेस्ट कर देंगे थले सब तो लास्ट से इतने आ जाएगा एल्स अगर एंड एग्जिट होएगा तो इफ करंट यूजर यूजर टाइप आईडी ग्रेटर देन 0 इन्हों ही करेंगे कॉपी ते कर देंगे पेस्ट। यूजर टाइप टेबल नेम यूजर टाइप है यूजर टाइप वेयर यूजर टाइप आईडी डॉट यूजर टाइप आईडी इसनों कर देंगे डिलीट थोड़ा डाटा ना नेम करेंगे चेंज सिलेक्ट क्वेरी डिलीट टेक्स्ट यूजर टाइप अगर बटन एंड एग्जिट होएगा तो ये सिलेक्ट करेगा तो इतने आ जाएगा डाटा ग्रिड व्यू विजिबल फॉल्स नहीं तो सर्च करेगा जदों असी ऐड करांगे नहीं तो ये सर्च करेगा जब हम ऐड करेंगे ऐड यूजर नेम स्टार्ट तो ये सेलेक्ट कर लिया हूँ असी ओल्ड पासवर्ड की कोडिंग लिखांगे एंटर ते जदों असी एंटर करांगे जब आप एंटर करेंगे चलते हैं ये इवेंट ते लीव इवेंट कॉपी करेंगे नू इफ बटन एग्जिट एंड एग्जिट एल्स पेस्ट
पेस्ट करता, यूजर नेम ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड का ही चकेगा ये, क्योंकि यूजर नेम से न्यू यूजर ही करना होएगा। ओल्ड पासवर्ड ही आएगा थे, टेक्स्ट ओल्ड पासवर्ड सेलेक्ट करने लिए, वेयर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड यूजर आईडी, इफ टेक्स्ट पासवर्ड डॉट टेक्स्ट लेंथ ग्रेटर देन 0, एल्स मैसेज बॉक्स शो। कॉपी पेस्ट। दोस्तों ये हर चीज़ ध्यान से देखना, प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो खाली छोड़ देगा, नेक्स्ट फोकस करेगा अकॉर्डिंग को, एल्स मैसेज बॉक्स शो करेगा और फिर ये सेलेक्ट करेगा कि ये पासवर्ड करेक्ट है या इनकरेक्ट है। प्लीज़ एंटर ओल्ड पासवर्ड। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जो कोडिंग है वो हम